और मेरे जिगर के टुकड़ों कैसे हो। तो आई होप आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और उसके ऊपर भी इकोनॉमिक्स की तो तैयारी हद से ज्यादा अच्छी चल रही होगी। और आई होप हमारी स्ट्रेटेजी एडू कैप्टन की स्ट्रेटेजीज आपके काम आ रही होगी। तो लो भाई, एक और कंटेंट, एक और स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज की वीडियो में, आज के कंटेंट में आपके लिए मैं एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर करूंगा विच इज द लीस्ट आंसर्ड क्वेश्चन, जो मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है जी, वो है कि इकोनॉमिक्स के पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है जी। अब ये लीस्ट इंपॉर्टेंट या लीस्ट आंसर्ड क्वेश्चन क्यों है, देखो सिंपल सी बात है, आज तक किसी को भी इकोनॉमिक्स में टाइम मैनेजमेंट का इश्यू नहीं आया, ठीक है जी, या कंटेंट राइटिंग का इश्यू नहीं आया, ठीक है। और तभी आप देखोगे कि आप यूट्यूब पे देखो या डिफरेंट टीचर से आप कंसल्ट करो, तो वो कभी भी इकोनॉमिक्स के पेपर में खासकर टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं बताते। और मैं आज की इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं बताने वाला, मैं मेन फोकस करने वाला हूं कंटेंट और एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, ठीक है जी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप कहीं में से आप क्या होंगे कि भैया ये कंटेंट सुन के आप शायद कैंसिल कर देंगे, इस वीडियो को नहीं देखेंगे आगे कंटिन्यू, कि यार टाइम मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स में क्या इशू है या कंटेंट राइटिंग का कहां इशू है, कितना लिखना क्या लिखना है, ये तो मतलब इकोनॉमिक्स का पेपर तो ऐसे यार 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। दिस इज फैक्ट, 2.25 घंटे में इकोनॉमिक्स का पेपर पूरा हो जाता है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चे गलती कर रहे हैं, और काफी ज्यादा प्रोपोर्शन के बच्चे गलती कर रहे हैं, ठीक है जी। और वो जो गलती है वो दीमक की तरह उनके पेपर को, उनके नंबर्स को खा रही है। उस गलती के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वो गलती है कि भैया ज्यादा ज्यादा कंटेंट भरने से अफेक्ट हो रहा है आगे का आंसर, लास्ट के आंसर जो लेंथी आंसर होते हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो आज की डेट में ऑलमोस्ट हर कोई एक्सरसाइज करता है, जिमिंग विमिंग करता है, तो सबको ये पता होगा कि भैया वार्म अप उतना ही करना चाहिए जितनी में बॉडी गर्म हो जाए और फिर एक्सरसाइज में कोई मसल पुल ना हो जाए या मसल पेन ना हो जाए। अगर आप जरूरत से ज्यादा वार्म अप कर लोगे तो भैया आप एक्सरसाइज ढंग से नहीं कर पाओगे, एक्सरसाइज में वो इफेक्टिवनेस नहीं आ पाएगी, या फिर जरूरत से कम वार्म अप करोगे तो आपके मसल पुल या मसल पेन होने के चांसेस बहुत अच्छे खासे होते हैं। यही आपने देखना है कि जब आप छोटे आंसर लिख रहे होते हैं इकोनॉमिक्स पेपर में, तो आपके लेंथी आंसर्स अफेक्ट होते हैं, या फिर लेंथी आंसर्स पे ज्यादा टाइम डिवोट कर दो, ज्यादा दिमाग मेंटल यूज कर लो, तो आप छोटे आंसर्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो बस वही चीज आज की हम वीडियो में सीखेंगे, ठीक है जी। तो ये है आपका इकोनॉमिक्स 2023 का सैंपल पेपर जो CBSE ने निकाला था। अब इसमें सबसे पहले तो मार्किंग स्कीम हम देखेंगे। मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपके 20 MCQ क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है पेपर, एक सेक्शन ए हो गया आपका, एक सेक्शन बी हो गया आपका, ठीक है। सेक्शन ए पर्टेन्स टू मैक्रो इकोनॉमिक, सेक्शन बी पर्टेन्स टू इंडियन इकोनॉमिक, दोनों में 10-10 आपके MCQ आ जाएंगे। उसके बाद 4 क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले आने हैं, ठीक है जी, एंड 6 क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स वाले आने हैं, एंड 4 क्वेश्चंस आपके 6-6 नंबर। तो ये डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड बाय टू, तो अकॉर्डिंगली सेक्शन ए और बी में ये डिवाइड हो जाएंगे। टोटल 17 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए में एंड 17 क्वेश्चंस सेक्शन बी में, 34 क्वेश्चंस का पूरा एक आपका पेपर बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर में कितना लिखना होता है, 4 नंबर में कितना लिखना है, 6 नंबर में कितना लिखना है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो अगर कोई बच्चे जो है वो 6 नंबर वाले क्वेश्चन से अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, तो वो उसका ज्यादा टाइम लगा देंगे, ज्यादा दिमाग लगा देंगे, कंटेंट बना बना के लिखेंगे। देखो ये तो सिंपल सा उसूल है कि भैया जब शुरू में आप पूरी जान डाल दोगे ना, लास्ट तक आते आते ना आप थक जाओगे, ठीक है जी, और थक जाओगे ना तो भैया वो लास्ट के आंसर अफेक्ट करेंगे। तो अगर आप 6 नंबर वाले आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हो और आपके लास्ट में जाएंगे फिर 3 नंबर वाले या MCQ, तो देखो अनअफेक्टेड है वो, तो आंसर आता है या नहीं आता उसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन जो ये मेन 3 नंबर वाले हैं जिसपे चेकर पूरा टाइम डिवोट करता है चेक करने को, 6 नंबर वाले होंगे वो लेंथी होंगे, उसमें क्या हेडिंग्स आपका काम कर देंगे। अगर हेडिंग्स आपने अच्छी लिखी है ना, तो भैया चेकर ऐसे 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 करके ना टिक मार्क कर देगा। लेकिन अगर 3 नंबर वाले आपने ढंग से नहीं लिखे, तो भैया क्योंकि 3 नंबर वाले 3-4-5 लाइन से ज्यादा क्या जाएंगे, लेकिन अगर आपने वो ढंग से लिखे ना, तो वहां चेकर आपको पकड़ लेगा और वहीं पर सबसे ज्यादा बच्चों के नंबर कटते हैं। तो मेक श्योर कि भैया आपने ज्यादा टाइम, आ जाओ चलो करते हैं, हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, इसी पे हम आते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेपर है, आपको ये पता चल गया कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। MCQ तो देखो इसमें कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं है, ठीक है। मैं आपके लिए ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, दर्शन रीजनिंग कैसे करनी है आप देख सकते हैं, केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं कि ये जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं, अब जैसे ये आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट है कि सपोज अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, देयर आर ओनली 2 फर्म्स ए एंड बी। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको NDP निकालना है, फर्म ए का निकालोगे GVMP, फर्म बी का निकालोगे GVMP, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मूलाज के साथ।
ठीक है, उसके बाद दोनों को ऐड कर दोगे तो वो जीडीपीएमपी बन जाएगा, देन उसको आप कन्वर्ट कर दोगे एनडीपीएमपी में। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें देखो प्रैक्टिकल में क्या ही बताऊं मैं, इसमें तो ज्यादा कुछ है भी नहीं क्योंकि फॉर्मूलास और सॉल्विंग बस, इसके अलावा और कुछ मांग ही नहीं रहा। लेकिन अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले, एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि 3 नंबर का है, तो इसमें सबसे पहले आप एक्सचेंज रेट क्या होता है वो लिख दो, एक लाइन से ऊपर नहीं लिखना आपको, ठीक है, भरना नहीं है। ये सीबीएसई का जो ये वो बना रखा है ना एक मिथ की भैया सीबीएसई में भर भर के लिखोगे तो नंबर मिलते हैं, अब वो जमाने चले गए मेरी जान। अब क्या प्रिसाइज, आप मार्किंग स्कीम भी देखो, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है मार्किंग स्कीम से पूरा चेकर कैसे देखता है आपके आंसर, तो प्रिसाइज चाहिए उसको, वो वर्ड देख रहा है कीवर्ड, अगर वो कीवर्ड मिल गया तो फिर बाकी आंसर को वो छोड़ देगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर और वाले पार्ट पे जाएं तो इसमें आपने पहले एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज एक्सचेंज रेट, एक लाइन से ज्यादा नहीं। उसके बाद फ्री मार्केट मतलब फ्लोटिंग वाला जो मेथड होता है आपके, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई जो है वो डिसाइड करते हैं, तो आपने उसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया और फिर बता दिया कि ये अपने आप एडजस्ट होने वाली मार्केट है, ठीक है, इसमें अपने आप वहीं पर आके एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई फॉर दी फॉरन एक्सचेंज, ठीक है, ये लिखा आपने, हाँ थोड़ा बहुत लिख दिया। अगर आपको ज्यादा लग रहा है कि यार ये कम है कंटेंट ये वो एक्सेट्रा, तो थोड़ा बहुत आपने ये लिख दिया कि यार मैंने जब ज्यादा होता है डिमांड सप्लाई से एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, तो उस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा वो एक एक लाइन में, वैसे तो वो अननेसेसरी है बट एक एक लाइन में आपने लिख दिया और काम खत्म। इसी में अगर हम बात करें डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स, ठीक है, अगेन 3 नंबर आपको ऑटोनॉमस बताना है, अकोमोडेटिंग अगर आप पूरा टेबल बनाना चाहते हो टेबल बना लो विद प्रेजेंटेशन, नहीं तो आप पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो, लेकिन ये मेंशन जरूर करना है कि ऑटोनॉमस जो होता है वो अबव द लाइन होता है और अकोमोडेटिंग जो होता है वो बिलो द लाइन होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स होते हैं इससे चेकर्स खुश किए जाते हैं, ऐसा समझो कि चेकर भैया घर में आए दीदी के हस्बैंड है, आपके जीजा जी हैं, उनको खुश रखना है, मम्मी बोलती है ना जीजा जी आए इनको परेशान नहीं करना, तो ऐसे वाला सीन हो जाता है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल हो गया आपका तो ये भी हो जाएगा इजीली। अब 4 नंबर वाले पे आते हैं कि इसमें आपका आरबीआई का फंक्शन बताना है, कौन सा फंक्शन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ 8710 करोड़ इन द सेकेंडरी मार्केट ओवर लास्ट 4 ईयर्स टू ड्रेन आउट एक्सेसिव लिक्विडिटी। अच्छा, इसमें फंक्शन नहीं बताना, इसमें ये बताना कि कॉज क्या होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों सेल करती है, हमें अच्छे से पता है ये चीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक ही सिचुएशन में सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही हो, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगी तो पैसा उनसे ले लेगी और इकोनॉमी में मनी सप्लाई की जो वो है कट कर देगी कम कर देगी, ठीक है, तो इस वजह से ये हो जाएगा। फिर उसके कॉन्सिक्वेंस बताने हैं, फिर प्राइसेस नीचे आने लग जाएंगे, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने बस 5-6 लाइन, इससे ज्यादा तो भैया बनता ही नहीं है, कुछ सेंस ही नहीं बनती है। ये आरबीआई का फंक्शन आ गया, इसमें फंक्शन जो है आपका वो है रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है जी, बैंकर टू द बैंक, ठीक है, रेगुलेटर टू द बैंक्स कमर्शियल बैंक्स, तो ये वाला आ गया, 3-4 लाइन लिखी छुट्टी, बस ज्यादा लिखना टू प्रिसाइज आंसर लिखना है। हम ज्यादा अब देखो भरने की कोशिश करोगे ना, फिर आप बनाने की कोशिश करोगे, फिर आप सोचने बैठोगे यार और क्या लिख सकता हूं, इसमें टाइम निकलता जाएगा, फिर आपके ये जो बड़े बड़े आंसर्स हैं ये अफेक्ट होने लग जाएंगे। अब ये जो ये 3-3 नंबर के जो आ रखे हैं एक ही क्वेश्चन में, तो फिर ये अफेक्ट होने लग जाएंगे। खासकर जैसे ये ग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें बच्चे बहुत सोचते हैं कि भैया ये क्या कंपेयर क्या करना है इनमें, यार मेरे को समझ नहीं आ रहा ये वो, अच्छा लिखते प्रिसाइसली है वो बेस्ट एकदम, लेकिन फिर उनको लगता है यार मैंने कम लिखा है। यार नंबर से कंपेयर मत करो अपने कंटेंट को, आप क्वेश्चन से कंपेयर करो कि जो क्वेश्चन में उसने मांगा था क्या मैंने वो आंसर में डिपिक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, सिर्फ इतनी सी बात है। मतलब वो होता है ना एक मूवी में डबल रोल, पहले आपने एज अ स्टूडेंट आंसर लिखा, फिर एकदम से अपना रोल बदला और एज अ चेकर चेक किया, उसको रिवाइज किया कि यार क्वेश्चन में ये था और मैंने ये मांगा, क्या ये पूरा डिपिक्ट हो रहा है, क्या आपस में सिंक्रोनाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस खत्म छुट्टी। तो ये पूरी आपकी ट्रिक होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है। अगर मैं इंडियन इको में आ जाऊं जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होगी, मैक्रो तो यार वो कर लेंगे क्योंकि प्रिसाइज ही आंसर बनते हैं उसमें, इंडियन इको में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होगी कि भर भर के लिखना होता है, नो डाउट थोड़ा बहुत थ्योरी में आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ना यहाँ पर लेंथ देखी जाती है, जैसे वो इंग्लिश के पेपर में होता है ना यार थोड़ा सा लेंथ लिखोगे तो इट इंप्रेसेस द चेकर, ठीक है, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बारी ऐसा होगा, बट ये तब यूज करते हैं बच्चे स्ट्रेटेजी जब उन्हें कुछ समझ ना आ रहा हो, जब आपको सारा आंसर आता है प्रिसाइज आता है तो लिखो, डरो मत भैया बिल्कुल भी, नंबर्स मिलेंगे। सीबीएसई कोई आपका स्ट्रिक्ट हिटलर रूल अडॉप्ट नहीं करता, वो नंबर देगा अच्छे खासे नंबर देगा, लेकिन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कटिंग कम ये वो एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है डिफेंड और रिफ्यूट
ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। बिल्कुल ठीक बात है ये तो, ठीक है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? जो छुपी हुई, डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ, तो छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि भैया एक फील्ड में 7 लोग रिक्वायर्ड है काम करने के लिए, उसमें 10 लगे हुए हैं। तो हम देखते हैं रूरल इंडिया एग्रीकल्चर में ये कितना प्रेवलेंट है, बस इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो, एक एग्जाम्पल लिख दो ऐसे कि भैया 7 बंदे रिक्वायर्ड है, 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो 3 नो डाउट हमें लिख रहा है और दिख रहा है ऑन द फेस वो एम्प्लॉयड है, बट वो इनडायरेक्टली अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि वो ना भी हो ना तब भी काम हो जाएगा उतना ही, उतनी स्पीड पे, उतनी एफिशिएंसी के साथ। तो 3 नंबर में 4-5 लाइन लिखी, छुट्टी, खत्म। ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है, टेंशन देनी होती है चेकर को कि भैया वो नंबर कहां काटे। उसके बाद आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, लैंड सीलिंग, उसके बाद जमींदारी सिस्टम जो हटाया उन्होंने, सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर, तो उसके इंपैक्ट बताने हैं कि कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो रिफॉर्म्स बता दो एक एक लाइन में सारे कि क्या क्या हुआ था सॉरी उसके बाद उसका इंपैक्ट बता दो कि एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट हुई थी। तो ये आपका थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दे सकता है जिसमें 7-8 लाइंस जो मैं प्रिस्क्राइब करूंगा, इतने में नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। इंडियन इको देखो, इंडियन इको पहले 11th में आती थी, इसको 12th में लाने का पर्पस ही यही था कि बच्चों के मार्क्स इंप्रूव कर सके इकोनॉमिक्स में, क्योंकि पहले माइक्रो एंड मैक्रो दोनों होती थी, दोनों ही प्रैक्टिकल थ्योरी होती थी, तो बच्चा जो प्रैक्टिकल में तेज नहीं होता ना वो फंस जाता था वहां पर। लेकिन इंडियन इको को ले आए, थोड़ी सी ये हिस्टोरिकल थ्योरी है, तो इसमें बच्चा क्या है भर भर के लिखेगा ना तो उसको नंबर मिल जाएंगे, तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सीन हो गया, 4 नंबर 7-8 लाइन, इससे ज्यादा नहीं, 1.5 पेज के आंसर नहीं, वो ना थोड़ा सा चेकर को ना वो डिस्टर्ब कर देता है, वो यार देखेगा ना या कहेगा यार इतने बड़े आंसर, तो एवरेज नंबर देगा, फिर वो देगा नंबर, ये नहीं कह रहा मैं, देगा जरूर, लेकिन फिर वो एवरेज नंबर देगा आपको, वो फिर पूरे परफेक्ट, हमारा तो ऑब्जेक्टिव ही 0 to 0 है, तो पूरे नंबर खींचने हमको चेकर से, तो हम प्रिसाइज परफेक्ट आंसर लिखेंगे ना यार, आमिर खान की वो परफेक्ट मूवी की तरह, हालांकि आमिर खान भी अब अच्छी मूवीज बना नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम एक ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन पे पहुंचे जो कि आपका 33 एंड 34 आएगा इंडियन इको में, तो आप तो भगवान की दुआ से 3-3 नंबर में टूट रहे हैं, तो इसमें भी ज्यादा नहीं है, बट इन केस अगर 6 नंबर आ गया, ठीक है, तो वो 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको प्रिसाइसली 1.25 पेज 1.5 पेज तक लिखना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे ना, देखो यार मेरी बात समझो, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि शुरू में ही दिमाग को थका दोगे ना तो लास्ट के आंसर्स अफेक्ट होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि यार कि ना क्वेश्चन जो है वो उल्टा स्टार्ट करो, क्योंकि आप सबसे ज्यादा उस वक्त एक्साइटेड होगे जब यार लिखने में थोड़े से ज्यादा ताकत होगी, पावर होगी, मेंटल भी सबसे ज्यादा जो आपका माइंड है सबसे ज्यादा तेज उसी वक्त चलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे 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 आगे बढ़ते जाओगे ना, तो देयर इज अ डिक्रीज, कंसिडरेबल डिक्रीज, लास्ट तक तो भैया सिग्निफिकेंट डिक्रीज हो जाता है कि यार बस पेपर खत्म हो ना, लास्ट का पेपर जो लास्ट का आंसर होता है ना, आप देखो राइटिंग वाइज भी सबसे कम वो खराब होता है, ऑल्दो सबसे अच्छा वही होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा खराब वही होता है राइटिंग वाइज भी और कंटेंट वाइज भी, क्योंकि बच्चा बहुत थक जाता है, तो इसीलिए प्रिस्क्राइब होता है कि इको के पेपर में टाइम है जब 6 नंबर वाले आंसर्स पे पहुंच जाओ, अगर आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हो तो 2 मिनट साथ ले लो, रेस्ट ले लो, टाइम बहुत मिलेगा आपको, उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है, रेस्ट ले लो 2 मिनट, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, ठीक है जी, वॉशरूम हुआ हो, ठीक है जी, थोड़ा सा टहल आओ बाहर, मतलब टहलना नहीं है, पता चले चेकर पकड़ ले तुम्हें, ठीक है, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा वॉशरूम तक थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हो ताकि बंदा रिफ्रेश हो जाए, ठीक है, और फिर आगे देखना क्या इंप्रूवमेंट आएगी आपके आंसर में। और यही अगर आप उल्टा स्टार्ट कर रहे हो 6-6 नंबर वालों में, तो 6-6 नंबर वाले आप अच्छे लिख लोगे, लेकिन 3-3 और 4-4 वाले में अड़ जाओगे फिर, क्योंकि उसमें फिर क्या 6 नंबर में आपको आदत पड़ जाएगी कंटेंट सोच सोच के लिखने की, 3-4 नंबर वाले में इफेक्ट होगा, तो उसमें प्रिसाइसली लिखना है वो बेस्ट है। 6 नंबर में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज्यादा लिख सकते हो, लेकिन 3 और 4 नंबर में आपको प्रिसाइसली लिखना होता है। तो यार ये टेक्निक्स अगर आप एडॉप्ट कर लोगे अपनी एग्जामिनेशन में, आंसर राइटिंग में, मैं कह रहा हूं भैया 100 नंबर भी कम पड़ जाएंगे आपको, ठीक है, चेकर कहेगा यार 101 दो, शगुन डालो इसको यार, एक्स्ट्रा मार्क्स और गुड हैंडराइटिंग एंड गुड प्रेजेंटेशन। तो ये चीजें ये मजबूर करना है आपको यार, ठीक है, चेकर को। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, सपोर्ट करते रहना, प्रॉब्लम्स के लिए अपनी कमेंट करते रहना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप अपने डाउट भेज सकते हो, ठीक है। तो देखो भाई मेहनत चल रही है पूरी, ठीक है, और यही मेहनत आपकी एंट्रेंस एग्जाम में भी इससे ज्यादा ही चलेगी, तो इवन दो एक बारी वो भी चेक करना, अभी आप बोर्ड एग्जामिनेशन से जा रहे हो समझ सकता हूं, लेकिन एक बार चेक कर लो, पिछली वीडियोस जाके चेक कर लो,
पूछ लो भैया जाके CUET AIR1 इंस्टाग्राम पे वो होंगे भैया हमारे, उनसे पूछ लो AIR1 निकाला है, SRCC 30+ बच्चे, शहीद सुखदेव 30+ बच्चे, IPMAT 13, 24, 37, ये सारे आगे जाके आने वाले बहुत ही ऊपर जाने वाले अपनी फील्ड में सक्सेस होने वाले लोग हैं, ठीक है जी। और ऐसा नहीं है बच्चे पहले से ही ब्राइट थे, लेकिन एडुकैप्टन ने उनको अच्छी नरिशमेंट करी, अच्छी गाइडेंस दी, हमारे प्रिंस भैया की अच्छी गाइडेंस दी, फैकल्टी का अच्छा सपोर्ट रहा, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर भैया, डाउट्स जब उनके आए उनको खत्म करा, AI मॉक टेस्ट हुए, ठीक है, प्रॉपर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हुए, और नोट्स मिले उनको, प्रॉपर बुक्स मिली। तो अच्छी फैसिलिटीज जब मिलती है ना भैया, तो विराट कोहली भी जब अच्छी कोचिंग मिली है ना, तब जाके वो भैया आज की डेट में तो इतना बड़ा वो बना है। तो टैलेंट होना एक अलग बात होती है, वो ब्राइटनेस होना अलग बात होती है, और उसको चमकाना अलग बात होती है, चमकाते हैं हम, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।